Welcome dear student, welcome to this video. As you know, we are talking about the respiratory system of human being. आज जो है वो इस respiratory system में हम पढ़ने वाले हैं larynx और trachea के बारे में. ठीक है, first of all we will discuss about larynx, then after we will be discussing about trachea. Now see, larynx जो है it is also called as voice box. ठीक है, हमारे गले में जो है voice box इसे कहा जाता है, क्योंकि जो भी sound produce होता है वो इसी कॉर्ड से, इसी बॉक्स से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ना इसीलिए इसे वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है. ठीक है, तो पहला यही है कि इट इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स. ठीक है, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक विच कंटेन वोकल कॉर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड. यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसमें जो भी एयर ब्लो होती है इनसाइड या आउटसाइड, उसकी वजह से, उसके वाइब्रेशन की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, देन इट इज अ हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज पैलेट हेल्ड बाय मेम्ब्रेन एंड मसल. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो भी कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब क्या होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये वोकल कॉर्ड है. ठीक है, ये ट्यूब की तरह होता है, हॉलो, अंदर से पूरा खाली होता है. ठीक है, और इसकी जो वॉल है ये कार्टिलेज पैलेट से बनी हुई होती है, जहाँ पे इसके बीच में मेम्ब्रेन और मसल्स जो है वो हेल्ड होते हैं, जिनके वाइब्रेशन की वजह से ही वॉइस प्रोड्यूस होता है, आवाज तैयार होती है. ठीक है, देन इंटरनली अगर हम अंदर से बात करें तो अंदर से जो लाइनिंग है इसकी, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ पेयर ऑफ फोल्ड. वहाँ पे दो फोल्ड होती है, ठीक है, इलास्टिक वोकल कॉर्ड की, जिसे ट्रू वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है. अंदर से जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में आपको दो फोल्ड्स नजर आती हैं. ये दोनों फोल्ड्स जो हैं ये साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, और इलास्टिक, इलास्टिक नेचर के रहेंगे तभी तो इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा. ठीक है, तो इलास्टिक नेचर के होते हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और इसीलिए इसे ट्रू वोकल कॉर्ड कहा जाता है. ठीक है, देन वॉइस प्रोड्यूस बाय पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड एंड मॉड्यूलेशन क्रिएटेड बाय टंग, टीथ, लिप एंड नेजल कैविटी. मतलब जो भी ये वॉइस क्रिएट हो रही है, तैयार हो रही है, वो इस पैसेज से निकलने वाली हवा, जो भी एयर ब्लो हो रही है इसके, इस कॉर्ड में से जो एयर जा रही है, उसे मॉडिफाई किया जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ अवर टंग, लिप, माउथ. ठीक है, जो भी हमारे माउथ के अंदर के जितने भी हम बोल सकते हैं कि ऑर्गन्स हैं, उसके मॉडिफिकेशन की वजह से, जैसे हम हर बार अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे टंग का जो मूवमेंट है वो अलग अलग होता है, तो ये जो भी मूवमेंट है ये इस साउंड को वेरिएशन देता है. ठीक है, साथ ही साथ आप देखो, कभी कुछ शब्द बोलते हो तब आपके लिप्स बंद होते हैं, कभी खुल जाते हैं, तो उनके लिप मूवमेंट, टीथ मूवमेंट और नेजल कैविटी. कभी कभी देखो नाक, जब हम बोलते हैं तो नाक में से भी जो है वो एयर बाहर निकलती है, तो ये सारे जो एक्टिविटी, इन सब में जो भी एक्टिविटी होती है वो साउंड प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, और इसी की वजह से अलग अलग प्रकार के वेरिएशन वाले साउंड जो है, या वेरिएशन ऑफ वर्ड्स जो है वो हम बोल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, देन द लैरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंगोफैरिंक्स थ्रू अ स्लिट लाइक ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस. ठीक है, जो भी लैरिंग्स हैं, ये लैरिंग और फैरिंग के बीच में जो स्ट्रक्चर है जिसे लैरिंगोफैरिंक्स कहा गया है, इनके बीच में जो भी छोटा, दोनों को ज्वाइन करने वाली एक छोटी सी ओपनिंग होती है, स्लिट होता है, एक छोटा सा कवर होता है, तो वो जो भी स्लिट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्लॉटिस. ठीक है, इसे ग्लॉटिस कहा जाता है, और ये जो भी ओपनिंग है इसके ऊपर एक गार्ड होता है, एक पैलेट होता है, एक कवर होता है, वो जो भी पैलेट होता है, ये विंड पाइप को गार्ड करने वाला वो पैलेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस. ये एपिग्लॉटिस इस स्लिट को या इस ओपनिंग को इसलिए कवर करता है ताकि जो भी फूड आप फूड पाइप से कंज्यूम कर रहे हो वो विंड पाइप में ना जा सके. मतलब दोनों पाइप को जो है वो सेपरेट करने वाला एक कवर होता है कि विंड पाइप, विंड, जो भी आप नाक से हवा लेते हो, नेजल कैविटी से जो भी हवा जा रही है वो विंड पाइप में ही जाए, फूड पाइप में ना जाए, और जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो वो इसोफेगस से विंड पाइप में ना जाए, इसका ध्यान कौन रखता है, ये जो भी फ्लैप है, प्लेट है, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रकिया. ट्रकिया मतलब होता है विंड पाइप, तो विंड पाइप में आपका फूड, फूड जो है वो एंट्री ना कर सके, इसका ध्यान कौन रखता है, एपिग्लॉटिस. ठीक है, ये कवर है. देन इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आफ्टर लैरिंग्स इज ट्रकिया. ट्रकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, जो भी आप नाक से एयर
इनहेल करते हो वो इस पाइप के द्वारा ही आपके लंग्स तक जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक वर्ड है इसका ट्रकिया, कॉमन शब्दों में हम इसे विंड पाइप कहते हैं। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब 10 टू 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट रन्स थ्रू द नेक इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस एंड एक्सटेंड अप इन टू एंड अप टू द मिडल ऑफ थोरेसिक कैविटी। ये आपके नाक के बाद में जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के बाद में जो विंड पाइप तैयार हो रहा है, ये कहाँ से रन कर रहा है, इट रन्स थ्रू नेक, जो भी आपका नेक पोर्शन है, गर्दन का जो पोर्शन है, तो वहां से ये किसके सामने से गुजरता है, आपके इसोफेगस, इसोफेगस मतलब फूड पाइप, ट्रकिया मतलब विंड पाइप, ठीक है। तो जो भी फूड पाइप है उसके सामने से ये गुजरता है, ठीक है। और ये आगे जाके कहाँ पर खुलता है, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी मतलब रिब केज, जो हमारी पसलियां होती है, हड्डी का ढांचा जो चेस्ट में होता है, वहां पर जाकर ये खुलता है, ठीक है। देन इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड 16 टू 20 रिंग्स ऑफ कार्टिलेज व्हिच प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ ट्रकिया। आप अगर आपके गले में हाथ लगाकर देखोगे तो आपको यहाँ पे हड्डियां जैसा महसूस होता है, ये जो है ये सी शेप के कार्टिलेज हैं जो इस विंड पाइप को कोलैप्स, कोलैप्स मतलब टूटने नहीं देते। अगर आपको कभी भी यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई झटका लगता है तो एकदम से आपका विंड पाइप ब्रेक नहीं होता, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने वाले ये सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, जो 16 से 20 रिंग्स में होते हैं, मतलब उसकी संख्या होती है 16 से 20 रिंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है। देन इट इज लाइंड इंटरनली विद सीलिएटेड सूडो स्टेटिफाइड एपिथेलियम एंड म्यूकस ग्लैंड दैट ट्रैप द अनवांटेड पार्टिकल प्रिवेंटिंग देयर एंट्री इनटू द लंग्स। अब जो भी ये ट्रकिया है इसके अंदर की लाइनिंग, अंदर में जो है ये किससे बना हुआ है, तो ये जिस सब्सटेंस से बना हुआ है उसको सूडो सीलिएट, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आप लोगों ने एनिमल टिश्यू पढ़ा है, उसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में पढ़ा है, तो ये स्ट्रेटिफाइड एग्जैक्टली स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नहीं है, उनके जैसे दिखने वाले सेल्स हैं, टिश्यूज हैं वो, और सीलिएटेड, सीलिएटेड मतलब वहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस होते हैं, प्लस यहाँ पे म्यूकस लेयर होती है, म्यूकस मतलब एक चिपचिपा लेयर होता है, जिस वो क्या करता है, वो ये ग्लैंड है जो म्यूकस चिपचिपा पदार्थ तैयार करता है, ताकि जो भी आपने एयर इनहेल की है उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो आपके शरीर में एंट्री नहीं करना चाहिए, वो सभी इस चिपचिपे लेयर को चिपक कर रह जाते हैं, ताकि आपके लंग्स में ये अनवांटेड पार्टिकल्स ना जा सके, ठीक है। तो इस तरह से ट्रकिया जो है इट इज कॉल्ड एज विंड पाइप, जिसमें प्रिवेंशन के लिए पूरा इंतजाम होता है कि जो भी आपने एयर इनहेल किया उसमें से डस्ट पार्टिकल या दूसरे पार्टिकल्स एंट्री ना कर सके, ठीक है। इसके अलावा फिर ट्रकिया जो है वो आगे जाके ब्रॉन्चाय में डिवाइड होता है, वो हम पढ़ने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू वेरी मच।